रुद्रकम एक बात बार बार आई उसका उत्तर हो जाए जरा हमेशा के लिए, या ऑपरेशन भी हो ही जाए क्या? किसी भी राज्य सरकार में के विज्ञापन को दिखाइए जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो, क्या तो पूरा देश हकमारी में लगा है हर पार्टी का? रुद्र विक्रम, भारत के जितने राज्य हैं सब में केवल मुख्यमंत्री का चेहरा जाता है क्या? तो वो सब हकमारी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, नहीं नहीं ये देखिए सबको जेल करा दो। और नहीं, एक मिनट रुद्र विक्रम, मेरा सवाल पूरा हो जाए। मैंने बताया ना, चाचा से उद्घाटन करा दिया, पिताजी से करा दिया, भाभी से करा दिया, भौजाई से करा दिया, वहां संविधान लागू नहीं होता, लेकिन गवर्नर को नहीं बुलाया क्यों? जो पोजीशन स्टेट में गवर्नर की है वो राष्ट्रपति भवन का ही प्रतिनिधि है ना गवर्नर। बिल्कुल रुद्र विक्रम सिंह, देखिए जो एडवर्टीजमेंट वाली बात आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो पहले आप देखते होंगे कि मेरे ख्याल से 2012 या 14 से पहले जो भी विज्ञापन आते थे उसमें बहुत सारे मंत्रियों सबकी फोटो होती थी, इसमें भी कुछ लोग गए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री की तस्वीर आप लगा सकते हैं एडवर्टीजमेंट पे, या प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा सकते हैं, बाकी और किसी की तस्वीर नहीं लगेगी। इसमें भी बहुत क्लियर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, तो ये भी सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरी देखिए जो तुलना मतलब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको हकमारी नहीं माना उसने कहा मंत्री और प्रधानमंत्री में अंतर है, मंत्री और मुख्यमंत्री में अंतर है, नीति बनाना नीति को लागू करने का काम की सरकार का काम होता है जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अफर्म किया कि नहीं भाई आप जो है मुख्यमंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसको वो रिस्पॉन्सिबल है वो देश के या प्रदेश के लोगों के लिए। अगर वो अपनी नीतियां बताएगा नहीं लोगों को, ट्रीटमेंट नहीं करेगा, इसलिए रुद्र भाई बताते हैं बता दीजिए कि राष्ट्रपति को उद्घाटन क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं प्रधानमंत्री क्यों नहीं करना चाहिए आप ये बता दीजिए। अच्छा प्रधानमंत्री को क्यों नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री नहीं है, हमने तो आपको 20 बार प्रधानमंत्री का बता दिया, चार संवैधानिक कारण बता दिया, चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। मुझे आप बताइए कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं करना चाहिए? उधर पिताजी का आप ये बताइए राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं करना चाहिए? इतनी नफरत राष्ट्रपति से क्यों? जब वो राष्ट्राध्यक्ष है, जब वो प्रथम देश का नागरिक है, जब वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट का, तो उसको क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी लेजिस्लेशन तैयार होता है अंत में उनका हस्ताक्षर होता है, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि आखिर राष्ट्रपति से इतनी नफरत क्यों है प्रधानमंत्री जी को? रुकना रुकना मुन्ना खान साहब चलूंगा, रुके भाई रुके, सब लोग रुके, जहां जाओ नहीं तब जाऊंगा नहीं। मुन्ना खान साहब एक बात बताइए कि मैंने कहा कि राष्ट्र में राष्ट्रपति प्रथम नागरिक, राज्य में राज्यपाल प्रथम नागरिक, और शहर में मेयर या नगर पालिका का चेयरमैन, या इवन नगर पंचायत में नगर पंचायत का चेयरमैन टाउन एरिया का प्रथम नागरिक होता है, ठीक ना? कोई सरकार मुझे बता दीजिए, कोई सरकार नेहरू जी से, कपिल जी मेरे शो में लगातार नहीं बोल सकते आप, 3 बार रोक चुका हूं, चौथी बार नहीं, ये नहीं चलेगा, नो आवाज बंद करिए इनकी, मेरे साथ नहीं चलेगा, बाकी सब जगह चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। मुन्ना खान, मेरा प्रश्न नेहरू जी से लेके आज तक के संदर्भ में है, किसी एक के लिए नहीं, नेहरू जी के आज प्रारंभ से लेके आज मोदी तक है। मुझे राज्य की या केंद्र की कोई एक सरकार बता दीजिए जिसको किस किस प्रोजेक्ट का कौन उद्घाटन करे, इसमें दूसरों से सलाह लेने की बाध्यता आई हो। क्या ये भाखड़ा नागल बांध का उद्घाटन कौन करे जवाहरलाल जी को, इसके लिए उनको कहा गया था कि आप अटल बिहारी वाजपेयी से पूछ के आओ? कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी? नहीं ना। विधान में विधान भवनों के 10 उदाहरण दे दिए, भूपेश बघेल का मन था सोनिया जी करेंगी, तो सोनिया जी ने कर दिया। सोनिया जी तो कोई सरकारी पोस्ट होल्ड नहीं करती, फिर भी कर दिया। नहीं, अब अमिताभ जी जवाब दे दो जी, इसीलिए पूछा मित्र जी। सवाल अमिताभ जी, सवाल यह है कि इतना बड़ा इवेंट कभी नहीं हुआ, जिस तरीके से आप अगर 70 साल वाली हिंदुस्तान ढूंढ रहे हो तो आज बिल्कुल विपरीत दिशा में है, चाहे स्वार्थ के मसले में, किसी भी मसले में हो, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आज उस मैटर पे बात नहीं, आज चर्चा सिर्फ संसद भवन पे है, इसीलिए दूसरे बातों को तरजीह देना या उनपे कहना या बहस करना मैं समझता हूँ फजूल है। आज संसद भवन की बात है, अगर संसद भवन का उद्घाटन अगर आदिवासी महिला करती है
जो आप करेंगे उस पर चर्चा नहीं, आदिवासी जो देश के प्रधानमंत्री करेंगे उस पर चर्चा होगी, जो आप नहीं संविधान में लिखा है एक विधान देश का प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन करे, लेकिन आर्टिकल 79 के तहत उस पर बात तो ले मित्र मेरे भाई साहब, तर्की बात देश के प्रथम सर्वोच्च की बात क्यों कर रहे हैं, वो बेहतर की उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन करेंगे संसद भवन का, लेकिन आपकी साफ शहनशाह की तो जोड़ी है होनी चाहिए, ये ताना शाही की जोड़ी है, सभा का उद्घाटन शहनशाह में चाहते हैं, ताना शाही देश नहीं चलेगा, उस पर कोई क्यों लोकतंत्र की ताना शाही आपकी है, संविधान से चलेगा, आप जो देश की साफ शहनशाह की जोड़ी नहीं चलेगा, संविधान पर बोलो स्वास्थ्य का मसला हो मोदी जी आ गए, रेलवे का मसला हो मोदी जी आ गए, नोटबंदी का मसला हो आरबीआई की जगह मोदी जी आ गए, हर जगह मोदी सो नहीं चलेगा, आपको जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सुन तो ले, हर जगह मोदी के नहीं चलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी अगर वो जिम्मेदार बन करके हर कार्य को जिम्मेदारी से करते हैं, बाकी मंत्रियों की क्या हर कार्य को जिम्मेदारी से करते हैं, ठीक वो स्वरूप ठीक 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 अभी ठीक है, दोनों को रोकिए, मुन्ना खान को रोकिए और दीपक सुनकर को भी रोकिए, रोक दी रुक जाइए दोनों लोग, रुद्र विक्रम सिंह मैं समझ रहा हूँ शायद ये तपता ये गुस्सा तभी कम होगा जब ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए कि भाई आधे उद्घाटन विपक्ष के नेताओं से भी कराए जाएंगे, इसकी पीड़ा मुझे ज्यादा लग रही, वो कह रहे मोदी जी क्यों कर रहे, अरे भाई आपकी जहां सरकार है अब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को उद्घाटन कर रहे हैं क्या, सारे उद्घाटन भूपेश बघेल ही कर रहे हैं कि रमन सिंह कर रहे हैं, राजस्थान में वसुंधरा तो नहीं कर रही, अशोक गहलोत ही कर रहे, वो तो सचिन पायलट को भी नहीं करने दे रहे, ठीक ना, तो भाई साहब इनकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह उद्घाटन करते थे दिल्ली में देश में, या अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, कौन करता था रुद्र विक्रम, इंदिरा जी के समय में, इंदिरा जी के समय में चरण सिंह करते थे कि इंदिरा गांधी करती थी, रुद्र विक्रम आज वही, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी ने किए, मायावती जी थी मायावती जी पिता काटेंगे, योगी जी हैं योगी जी काटेंगे, किसी दूसरे को घुसने दिया, और चलिए 2014 से पहले की पहले को छोड़ के 2014 के बाद की भी बात कर ले, तो आपने ही गिनाया छत्तीसगढ़ में झारखंड में आसाम में बहुत सारे उदाहरण, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे प्रदेशों में विधानसभा भवन का उद्घाटन किसने किया और गवर्नर की क्यों नहीं बुलाया गया, ये इसका जवाब ये शायद नहीं देंगे, तब वो आम इमली गिनाने लगेंगे, नहीं वो इमली है इमली की बात मत करिए खाली आम की बात करिए क्योंकि जून का महीना आ गया खाली आम ही आम खाना है, तो वो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ना कि मतलब खाली अपना अपना कब दूसरे का खाना है, नहीं आप बताएं ना आम कैसे खाना है, हाँ मिल गया आपको, नहीं आप पूछिए जाके कांग्रेस कांग्रेस मुख्यालय जाके पूछिए, अरे आम काट करके खाना बताएं ना, कांग्रेस मुख्यालय पे जाके पूछिए शायद पता चल जाए, आम काट के खाना है चॉइस है जिसको आप ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ के आर्टिकल 19 पढ़ लीजिएगा, आप आर्टिकल 79 पढ़ के आर्टिकल 19 भी पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे खाना है कैसे रहना है कैसे जीना है आपका स्वतंत्र, आप स्वतंत्र है, आर्टिकल 19 भी पढ़ लीजिएगा, 79 पढ़ के आप गलत सलत ना, 1921 भी पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे रहना है कैसे जीना है क्या खाना है क्या पीना है, संविधान कौन पढ़ रहा है, फिर जरूरत क्या थी प्रधानमंत्री जी से पूछने की, नहीं नहीं उसके अरे वो जो जिसने पूछा जाइए पूछिए, जिसने पूछा वो उसको जाइए पूछिए, मुन्ना खान की आवाज विक्रम केवल आपका बात कहिए, ये मजाक नहीं हो सकती मेरे शो में, बंद मुन्ना खान आपकी आवाज बंद कर दे अभी, रुद्र विक्रम जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए, ये मेरे शो में मजाक नहीं चल सकता ना, ये अक्षय कुमार से पूछो जाके भाई जी, भाई देखिए एक एक मुझे लगता है कि एक एक शायर ने एक शायर कहा कि नफरत हो जाएगी तुझे तेरे ही किरदार से अगर मैं तेरे ही जुबान में तुझसे बात करूं, तो शायद बीजेपी अगर उनके ही जुबान में जब बात कर रही है जब जब इन्होंने विधानसभा में जो उद्घाटन किए गवर्नर को नहीं बुलाया, और शायद अगर मान लीजिए वो पार्टी अपने ही लाभ को लेकर अपने जो भुलाने की कोशिश कर रही है, तो आप क्या गलत करें, आपने कौन सा प्रेसिडेंट अभी तक ये सेट किया कि नहीं भाई जितने भी इनॉग्रेशन होंगे वो केवल संवैधानिक पद पे बैठे लोग गवर्नर या राष्ट्रपति करेंगे, अगर आपने प्रेसिडेंट सेट किया होता आज आप सवाल पूछते हो अजीब होता, एक छोटा सा सवाल है उस पर मैं सिर्फ दो लोगों को उत्तर लूं, कपीश जी का और सोनकर जी का, कपीश जी सुप्रीम कोर्ट मामला गया
ठीक, अब सिर्फ इसी सवाल पर रहेंगे, दाएं बाएं कहीं नहीं भागेंगे। सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, और मान लीजिए हाइपोथेटिकल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और इस पर अपना कोई डायरेक्टिव दे दिया, कोई अपनी ओपिनियन दे दी, तो वो तो रूल सबके लिए लागू हो जाएगा ना, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा तो उसमें हो नहीं सकता। फिर तब स्थिति क्या बनेगी? दोनों संभावनाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी पक्ष जो पिटीशन में मांग की गई है उसको भी अपहल्ड कर सकता है और उसके विरुद्ध भी मत दे सकता है। उसके विरुद्ध मत आएगा तब विपक्ष इस बात को मान लेगा कि हां अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। मैं स्पष्ट कह रहा हूं जी कि जो सुप्रीम कोर्ट में गया वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उस पर हम और आप अगर जिक्र भी करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब याचिका पड़ चुकी है, अंदर सब जुडिशरी है मामला, अब वहां पे जो भी तर्क वितर्क आएगा, जो निर्णय आएगा उसको ग्राह्य किया जाएगा, इसमें कहीं दो राय। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए किसी सरकार की कोई नीतियां हो उसको वो लागू कर रहा हो, अपनी एक बात समझ में आती, जहां संसद भवन का उद्घाटन है जो देश और विदेश सबसे जुड़ा हुआ है, जहां आपका राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है, जहां आर्टिकल 79 ने इस बात को कहा कि तीन ही खंभे होते हैं इसके, जिसमें से एक ये है और दोनों ही उसका सत्र आहूत करने की क्षमता भी उन्हीं के अंदर है, राष्ट्राध्यक्ष भी, अब उसकी तुलना आप राज्यपाल से नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट मसला गया, ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट जो मसला गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई या तो इधर वक्तव्य आए या तो खारिज कर देगा, कहेगा इससे हमसे मतलब नहीं, ये कार्यपालिका का विषय है, सरकार तय करेगी, ठीक, या तो ये तो भी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपका पक्ष आप हेल्ड कर दे तो भी बल्ले, लेकिन 1% ही अगर मान लीजिए वो ये कहती कि नहीं राष्ट्रपति, तब क्या स्थिति बनेगी? सुप्रीम कोर्ट के बाद तो बहस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस को भी खत्म करनी पड़ेगी चाहे भी अनचाहे भी। मुझे लगता है कि न्यायालय के आदेश को सभी को मानना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से नहीं चाहिए तो मामले नहीं, कोई वैकल्पिक विषय थोड़ी है, मानना ही पड़ता है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम तो जो भी आदेश होगा जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत किया जाएगा, मगर बात जिस तरीके से 97 की है तो उसमें मैं ये भी नहीं लिखा है 3 नवंबर में कि देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर सकते, ये भी नहीं लिखा है उसमें, जो 3 प्रमुख अंग लिखे हैं उसके आधार पर देश के प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, तो ये नहीं लिखा है। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर सकते, इस बात का जवाब कपिल जी दे दें। आप राष्ट्रीय हमारे जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, हम तो पूरे सम्मान के साथ बात करते हैं, मगर मैं तो ये बात एक बात जरूर कहूंगा अमिताभ जी कि जो इतना बड़ा ऐतिहासिक पल है, जो देश और दुनिया और संसार के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल है, मुझे लगता है कि सबको एक साथ मिलकर के एक साथ रहकर भैया, ठीक है 30 सेकंड जल्दी क्या कहना चाहते, 30 सेकंड नहीं, मैं एक बात जस्ट कहना चाह रहा था कि देखिए जो संविधान है, संविधान में बहुत सारी बातें जो हमारे विधानसभा के सदस्यों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बहुत डिस्क्राइब करती है, लेकिन प्रधानमंत्री के पावर्स कोई बड़ी, अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री के पावर्स या प्रधानमंत्री कैसे बनेगा क्या बनेगा बहुत लिमिटेड इसमें बातें कही गई है, तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि कौन इनॉग्रेशन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सब कोई मसला ही नहीं है इसमें। ठीक,